नाजरीन, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि महरीन शिब्रा के घर आ जाएगी इसे मिलने के लिए। शिब्रा चूँकि महरीन की हकीकत से वाकिफ नहीं, इसलिए वो इससे बहुत अच्छे से मिलेगी और इसको चाय पानी का भी पूछेगी। महरीन भी अभी तो शिब्रा से बहुत पुरखलूस तरीके से मिलेगी और बातें करेंगी। बातों ही बातों में वो शमीर सिकंदर के बारे में पूछेगी और कहेगी कि उस दिन तुम्हारे साथ जो लड़का था वो कौन था, तो शिब्रा बताएगी कि उसका नाम फजल बख्श है। अभी तो महरीन शिब्रा को शमीर की हकीकत नहीं बताएगी, वो बाकायदा कोई प्लानिंग करके बिल्कुल लीगल तरीके से फजल बख्श की सारी हकीकत शिब्रा और इसके घर वालों के सामने खोलेगी। लेकिन अभी नहीं, फजल बख्श को सीरियस देखकर शिब्रा उसको तंग करेगी कि तुम निमरा के बारे में सोच रहे हो। शिब्रा कहेगी वैसे तो वो भी यही सोचेगी कि अगर तुम्हारे साथ उसकी शादी ना हुई तो तुम्हारा क्या होगा। फजल बख्श कहेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ या स्ट्रेस में क्यों हूँ, तुम नहीं समझ सकोगी। महरीन शमीर सिकंदर के वालिद को सब कुछ बता देगी कि वो लंदन नहीं गया बल्कि यहीं पे शिब्रा के घर में फजल बख्श के रूप में रह रहा है, इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है और उससे शादी करने के चक्रों में है। तो शमीर सिकंदर का वालिद कोई नई चाल चलेगा कि शमीर सिकंदर इन लोगों से दूर हो जाए। शमीर का बाप तो पहले भी सलमान और शिब्रा का सख्त मुखालिफ है। नाजरीन, शमीर का वालिद सलमान और ज़ुबैदा के बारे में जो ख्याल देखता है यानी माजी का कोई वाकया याद करता है, तो इससे मालूम होता है कि शमीर सिकंदर की वालदा ज़ुबैदा सिकंदर का सलमान साहब से ज़रूर कोई रिलेशन था और झूले पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो शमीर सिकंदर और शिब्रा ही बचपन में इकट्ठे थे। नाजरीन, आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि अब जबकि शिब्रा और फजल बख्श एक दूसरे से मोहब्बत का एतराफ़ कर चुके हैं और ऐन उस वक्त जब उनकी मंगनी या शादी हो रही होगी तो फजल बख्श की हकीकत खुलेगी, तो फिर दोनों के दरमियान दोबारा दूरियां पैदा हो जाएंगी। नाजरीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की नई वीडियोज़ आपके सामने आती रहें। फजल बख्श, मिस्टर फजल बख्श, अगर शामी को पता चले कि तुमने उसे धोखा दिया है। नहीं समझोगे,